प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के मंदिर के बारे में। आपके घर का मंदिर कैसा होना चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां आ सकें और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी घर में मंदिर रखने की ज़रूरत क्या है। देखिए, घर में दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा और अशुभ ऊर्जा। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए, घर में शुभता बनी रहे, इसके लिए मंदिर का होना जरूरी है। घर में मंदिर या पूजा का अगर एक स्थान होगा तो तमाम तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। खास तौर से सेहत की समस्या और मन की समस्या का निवारण जल्दी होगा। घर में अगर मंदिर रहेगा तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी रहेगा। मंदिर अगर आपके घर में है या पूजा का स्थान है तो उसका पूरा फायदा तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। सही तरीके से अगर आप अपने घर में मंदिर की स्थापना करते हैं, देवी देवताओं की स्थापना करते हैं और मंदिर और पूजा स्थान को एक्टिव रखते हैं, जागृत रखते हैं, तो जीवन में सफलता की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। मंदिर पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी आपको, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आपके करियर में आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। अब जानते हैं कि मंदिर या पूजा स्थान जो आपके घर में है उसके रंग में और उसके स्थान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में, पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग जरूर कर लीजिए। अगर फ्लैट में हैं तो आपको दिशा की चिंता नहीं करनी है, केवल ये ध्यान रखिए कि पूजा स्थान पर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। पूजा का एक ही स्थान घर में बनाइए और उसे बार बार मत बदलिए। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या सफेद रखिएगा, गाढ़े रंगों के प्रयोग से बचिएगा। तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लोग अपने पूजा स्थान पर लकड़ी का ला करके रखते हैं, उसको रखने की जरूरत नहीं है, केवल पूजा की एक छोटी सी जगह आप बना दें वही आपके लिए पर्याप्त होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में समस्या हो सकती है, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि अपने घर के पूजा स्थान में या मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना कैसे करें। मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का स्थान बनाइए। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना एक आसन या एक चौकी पर करिए, अन्य को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। पूजा स्थान पर अपने एक शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भर करके जरूर रखें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मंदिर या पूजा स्थान को जागृत कैसे करेंगे। दोनों समय एक ही टाइम पर पूजा करने का प्रयास करिए, सुबह भी और शाम को भी। शाम की पूजा में पूजा स्थल पर दीपक जरूर जलाइए, दीपक पूजा स्थान के बीच में जलाइए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिए और एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिए। आप कोई भी पूजा करते हो, अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है आपको तो अपनी पूजा में गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए और पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, पिता के सहयोग से आपको लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा
और घर से निकलते समय उस मिठाई को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।